एक्ट्रेस और डांसर सपना चौधरी ने बहुत ही कम उम्र में अपने डांस करियर की शुरुआत की थी। अपने पैशन को जीने वाली सपना डांस की फील्ड में ट्रेंड सेंटर मानी जाती है। आज हम सपना के जीवन से जुड़े बहुत सारे राज खोलने वाले हैं और आपको सपना की मेहनत की कमाई का फल दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिग स्क्रीन और आज हम आपको अपने इस चैनल पर बताएंगे कि सपना चौधरी ने इतना सारा धन कैसे कमाया। सपना चौधरी की भगवान में काफ़ी आस्था है, वो भगवान को बहुत मानती हैं। ऐसे में उन्होंने अपने घर की दीवार पर गायत्री मंत्र लिखवाए हैं। सपना के बैकग्राउंड में आप इसे देख भी सकते हैं। इसके साथ ही सपना के घर के इंटीरियर की बात करें तो इसे उन्होंने शानदार झूमर और फर्नीचर से डेकोरेट किया है। बता दें कि सपना को पेड़ पौधों और गांव जैसी हरियाली से काफ़ी लगाव है। इसके लिए उन्होंने घर के बाहर गार्डन के साथ साथ घर के अंदर भी तमाम इंडोर प्लांट से घर को फ्रेश लुक दिया है। इस तस्वीर में भी आप सपना के घर के अंदर लगे अलग अलग तरह के पौधे देख सकते हैं। गांव में पैदा हुई सपना की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कमाल है। गांव की गोरी से ग्लैमरस वेब बनने का उन्होंने लंबा सफर तय किया है। 25 सितंबर 1990 को दिल्ली के महिपालपुर में जन्मी सपना चौधरी की जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके। सपना के सिर से पिता का साया तभी उठ गया था जब वो 18 साल की थी। उनके पिता काफी समय से बीमार थे, वो एक सरकारी कर्मचारी थे। पिता घर चलाने वाले इकलौते सदस्य थे। उनकी मौत के बाद सपना के परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया। कम उम्र में ही सपना परिवार का सहारा बनी और उन्होंने नाच गाकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। सपना शुरुआत में एक ऑर्केस्ट्रा में गाने गाने के लिए जाने लगी थी। इसके बाद वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। स्टेज से शुरू हुआ सफर म्यूजिक वीडियो तक जा पहुंचा और सपना सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। उनका पहला म्यूजिक एल्बम सॉलिड बॉडी रे जबरदस्त हिट रहा और सपना के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। इसके बाद सपना ने अपने अपीयरेंस पर भी खूब काम किया और अपने मेकओवर से सबको चौंका दिया। 2017 में वो बिग बॉस 11 में भी दिख चुकी हैं। फैंस सपना के अंदर और अंदाज के कायल हैं, चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, सपना हर तरह के आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिखती है। सपना चौधरी ने लाइमलाइट से दूर बॉयफ्रेंड वीर साहू से शादी की है। इस शादी का पता तब चला जब सपना ने बेटे को जन्म दिया। सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। अपनी शादी की सालगिरह के दिन सपना चौधरी अपने पति वीर साहू के साथ गुड़गांव की सड़कों पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटती हुई नज़र आईं। जब भी खुशियां मनाती हैं तो गरीबों के साथ मनाती हैं, क्योंकि उनको अपना दिन याद है। ज़मीन पर रहकर उन्होंने जिस तरीके से आसमान को छुआ है वो काबिले तारीफ है। तो सपना चौधरी का ये आलिशान घर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत सारे कमेंट करें, सुझाव दें। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।